हेलो दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र और आज का हमारा वीडियो है एमसीक्यूज के ऊपर। आज के हमारे वीडियो को शुरू करने से पहले हम गणेश जी का आह्वान करेंगे। क्या? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। इसका मतलब आप पेरेंट्स से पूछिए, पेरेंट्स आपको समझाएंगे। बड़ा ही अच्छा मंत्र है। यदि आप कोई भी अच्छा काम करने वाले हैं तो इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। ऐसा मेरे पापा, मम्मी, दादा, दादी, एवरीवन सेज दिस, सब लोग यही कहते हैं। और अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। आइए देखते हैं, हम शुरू करते हैं हमारा गेम जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति, अरबपति, लखपति, व्हाटएवरपति। कैसे बनोगे? नॉलेज से। नॉलेज के लिए आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए है। डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एमसीक्यूज करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसमें हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कौन से अकाउंट में लिखा जाता है और कौन सी साइड में? यस, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का आंसर है ये, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। और एक और जगह लिखा जाता है, वो है डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में या फिर करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। कौन से अकाउंट के? करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। यस, कब? अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड लगा रहे हैं तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड लगा रहे हैं तो फ्लक्चुएटिंग में बताइए कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। और फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, कौन कौन से? पहला है कैपिटल अकाउंट और दूसरा है करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट, ठीक है बेटा? हाँ, तो दो जगह, पहला कौन सा? क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा है डेबिट साइड। डेबिट साइड ऑफ व्हाट? डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, एंड डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड। नेक्स्ट देखिए, कौन बनेगा करोड़पति? अगर आपने ये सवाल का आंसर सही दिया है तो अपने आप को आप ऐसे ऐसे करके शाबाशी दीजिए। वेरी नाइस। सेकेंड क्वेश्चन, जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर्ड और डिडक्टेड फ्रॉम दैट अकाउंट। जनरल रिजर्व कौन से अकाउंट से डिडक्ट किया जाता है? बताइए बताइए बताइए। अगर आपने पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से डिडक्ट किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, इन केस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से डिडक्ट किया जाता है। और अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो प्रॉफिट एंड लॉस से। ओके, नेक्स्ट, प्रॉफिट और लॉसेस आर ट्रांसफर टू डैश अकाउंट, कौन से अकाउंट में जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल से पढ़ते आ रहे हो सब, बैलेंस शीट अकाउंट में। नहीं, यहां आप लोग गलत हैं। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता है, बैलेंस शीट अकाउंट्स का पार्ट होता है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट होती है, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता है। तो फिर बताइए सर, प्रॉफिट या लॉस कहां जाएंगे? प्रॉफिट या लॉस कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। कहां जाएंगे? कैपिटल अकाउंट। अंडरस्टूड? वेरी नाइस। नेक्स्ट, डैश अकाउंट इज मेड एज पर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? बताइए दोस्तों, आपको ही बताना है, आप ही जीतेंगे 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, हाउ मेनी करोड्स। हाँ, जितना करोड़ जीतना है, जितना जीतना चाहते हो जीत जाओगे। पर कब? जब आप, हाँ क्या, जब आप ये आंसर दो, बताओ कौन सा अकाउंट पार्टनरशिप डीड के हिसाब से बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हाँ बताइए, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? एप्रोप्रिएशन या चार्ज? एप्रोप्रिएशन या चार्ज? एप्रोप्रिएशन या चार्ज? 1, 2, 3, 4, 5 आई विल टेल यू। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है, चाहे पार्टनर को दिया जाए या बैंक को दिया जाए। इंटरेस्ट इन लोन विल ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब जो कंपल्सरी होता है, देना ही पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। वेरी नाइस। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय हाउ मेनी मेथड्स। कितने मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं? बताइए, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक 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 टिक
यस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टिक टिक टू से ही, यानी कि सिर्फ दो मेथड से बनाया जाता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। वेरी नाइस। नेक्स्ट, पार्टनर्स करंट अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ डैश कैपिटल मेथड। बताइए पार्टनर्स करंट अकाउंट कौन से मेथड का पार्ट होता है, बताइए। 1, 2, 3, 4, 5। पार्टनर्स करंट अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ डैश कैपिटल मेथड। कौन से कैपिटल मेथड का पार्ट होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, बताइए। करंट अकाउंट बेटा, बेटा करंट अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड का पार्ट होता है, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रिकॉर्ड की जाती है, करंट अकाउंट में एप्रोप्रिएशंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। एप्रोप्रिएशंस कहां रिकॉर्ड किए जाते हैं, करंट अकाउंट में। वेरी नाइस। नेक्स्ट, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड ड्रॉइंग्स आर रिकॉर्डेड इन डैश अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ड्रॉइंग्स कहां रिकॉर्ड की जाती है, बेटा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ड्रॉइंग्स कहां रिकॉर्ड की जाती है, तो भैया पहले ये समझ लो कि ड्रॉइंग्स दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और दूसरी होती है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी हाँ, कैपिटल भी पार्टनर निकाल सकता है बिजनेस से, उसको विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल बोलते हैं, और दूसरा होता है ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग यानी रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसे निकालना, ठीक है। तो दोनों अलग अलग होती हैं। ड्रॉइंग्स जो होती हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में से तब डिडक्ट की जाती हैं जब वो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, और अगर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि रोजमर्रा के लिए अगर आप कुछ पैसा बिजनेस से निकालते हैं तो वो करंट अकाउंट में लिखा जाता है। कौन सी साइड, डेबिट साइड। कौन सी साइड, ड्रॉइंग्स विल ऑलवेज कम ऑन डेबिट साइड, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। कौन सी साइड, डेबिट साइड। वंडरफुल। नेक्स्ट इज अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट शोज डैश बैलेंस। भैया बहुत बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा, इतना खतरनाक कि इसके बेसिक समझने में मेरे को 8-10 साल लग गए अभी तक, मतलब बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ाया, बहुत कुछ किया, तब जाके मुझे ये समझ में आए 9 और 10 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लेवल हाई है इनका। Yes, very high. क्या अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट शोज डैश बैलेंस। पहले तो बैलेंस की बात कर लेते हैं, बैलेंस समझ में आता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। भैया अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस होता है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मोटू पतलू दोनों को तराजू में तोलते हैं, एक तराजू का नाम है, तराजू की एक साइड का पल्ले का नाम है डेबिट, अगले पल्ले का नाम है क्रेडिट, पल्ले का नाम डेबिट, पल्ले का नाम क्रेडिट। अब मोटू बैठा डेबिट साइड में, पतलू बैठा क्रेडिट साइड में, बताओ किसका वजन ज्यादा है, मोटू का। तो वो वजन बैलेंस, मतलब वजन किसका, वजन मोटू का, तो बैलेंस किसका, मोटू का। तो बैलेंस कौन सा हुआ, जो साइड ज्यादा होती है उसका बैलेंस होता है। बताओ फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस बताता है, बताइए बताइए बताइए। फिक्स कैपिटल मेथड मतलब दो अकाउंट, कौन कौन से, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कौन सा बैलेंस आएगा, तो सीधी सी बात बताओ, डेबिट या क्रेडिट, बताओ बताओ। भैया हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्यों, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल फिक्स रहती है, कैपिटल कभी भी जीरो से नीचे नहीं जाती। यस, हाँ, उसमें अप्रोप्रिएशंस नहीं जाते, तो कैपिटल अकाउंट हमेशा कौन सा अकाउंट बताए, कौन सा बैलेंस बताएगा, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस इन केस ऑफ दिस फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अंडरस्टूड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, याद रखना इसका आंसर है क्रेडिट बैलेंस। बहुत पूछा जाता है, समझने, अगर समझ में आता है तो ठीक, समझ में नहीं आता तो मेरे पास आ जाना, मैं समझाऊंगा तुमको। और ये अगर तुमने समझ लिया तो मेरे जीवन में डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस समझ में आ गया, जीवन में अकाउंट में दिक्कत नहीं आएगी। अगर जीवन में दिक्कत नहीं चाहते हो तो बैलेंसेस जरूर समझ लेना कि डेबिट बैलेंस क्या होता है और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। नेक्स्ट, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस बताता है, बताइए। फ्लक्चुएटिंग मतलब एक 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 अकाउंट, कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट, उसी में कैपिटल रिकॉर्ड होगी, उसी में सारे अप्रोप्रिएशंस रिकॉर्ड होंगे। तो बताइए
कौन सा बैलेंस आएगा? तो भैया कैपिटल का तो डेबिट बैलेंस होता है, पर एप्रोप्रिएशन यानी कि प्रॉफिट या लॉस वो भी वही जाते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ जाती है, लॉस होता है तो कैपिटल कम हो जाती है। कभी कभी लॉसेस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि कैपिटल से भी ज्यादा हो जाते हैं, यानी कैपिटल बैलेंस का नेगेटिव में चला जाता है। यानी इसमें दोनों बैलेंसेस हो सकते हैं, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। समझने वाली बात यह है, बहुत सारे टीचर्स डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को इजीली समझा नहीं पाते हैं। मैं समझाऊंगा, कभी एक स्पेशल वीडियो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के ऊपर बनाऊंगा। हाँ, और अगर उसके अलावा आपको समझना है तो आइए अशोक नगर आ जाइए, सुपीरियर कॉमर्स क्लासेस में कभी भी आ जाइएगा। एक कॉल करने की देरी है, नंबर आपको मिल जाएगा मेरा, कभी भी मांग लेना, मैं आपको दे दूंगा। So, if you like the contents of this video, अगर आपने ये सारे answers जवाब दिए हैं, सही दिए हैं और समझ में आ गए हैं, तो आप बनेंगे करोड़पति, लखपति, और जो पति आपको बनना है वो पति बने, करोड़पति, लखपति, अरबपति। Yes, पर कब? Future में, अगर आपने अच्छी नॉलेज ग्रास्प की, गेन की। नॉलेज पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नॉलेज होगी तो मार्क्स अपने आप आएंगे, और मार्क्स की चिंता हमें नहीं करनी है, हमें नॉलेज की चिंता करनी है। आई बात समझ में? इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स नाइसली वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन देयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑन दिस चैनल वी आर प्रोवाइडिंग विद लॉट्स ऑफ फ्री स्टफ फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ द फैमिली, घर परिवार के सभी सदस्यों के लिए हमारे चैनल पे बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है। काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।